अगर एक बार ये कर लेते, अगर उन बेटियों को उनके सिर पर हाथ फेरते, बेटा न्याय होगा तुम्हारे साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी का नारा दिया हुआ है। मोदी जी पूरी तरीके से दिल्ली में फेल हो गए। यहाँ से धरना प्रदर्शन हुआ था बेटियों के लिए तो हुआ था ना, उन्होंने सुनी किसी की बेटी की बात? तो बद्दुआ देते होंगे रेल मंत्री को अपने। क्यों सर? अरे क्यों सर, साले ये पहला रेल मंत्री ऐसा आया है, इतना गिरा हुआ इंसान है। रेल मंत्री ने हम सीनियर सिटीजन के जो 40% हमें डिस्काउंट मिलता था रेलों में, हम अपनी बेटियों के जाते थे, तीरथ करते थे, बड़े खुश होते थे, एक दूसरे से मिलते थे। क्या चाहते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है सरकार है, मोदी जी हिंदुओं के बारे में सोचते हैं और देश के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन किन मुद्दों पे अभी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है जिससे वो भटक? भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का नारा दिया हुआ है। मोदी जी पूरी तरीके से दिल्ली में फेल हो गए। अभी ये जो यहाँ से धरना प्रदर्शन हुआ था बेटियों के लिए तो हुआ था ना, उन्होंने सुनी किसी की बेटी की बात? नहीं सुनी है। लास्ट में खदेड़ा गया, लास्ट में उनको जलील करके वहां से भेजा गया। जो इंटरनेशनल लेवल की वो बच्चियां हमारी देश का नाम रोशन करा, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन करा, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या मुद्दा रह गया आएगा बताओ मेरे को? अरे कम से कम, अरे जब वो लेके आती थी, जब बड़े बड़े तगमे लेके आ रही हैं, शील्ड लेके आ रही हैं, तो मोदी जी उनको अगल बगल खड़ा करके फोटो खिंचवाते थे, खिंचवाते थे नहीं? आज उनके साथ ये कांड हो गया, उनकी पार्टी का, भले ही मैं नहीं कह रहा हूँ कि हुआ है नहीं हुआ है, बाकी ये इंटरनेशनल मुद्दा एक लोकल मुद्दा बन चुका था। ये एक आम आदमी की तरह सोचना चाहिए कि उनको ध्यान देना चाहिए था, एक बार बुला के हमसे पूछना चाहिए। मोदी जी अगर एक बार ये कर लेते, अगर उन बेटियों को उनके सिर पर हाथ फेरते, बेटा न्याय होगा तुम्हारे साथ, मैं कह रहा हूँ धराशायी धोबी पछाड़ मारते उनको, जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं। बाकी इन्होंने तो अपनी अहंकारी, मैं मुझे नहीं पता ये अहंकारी थी उनकी या क्या मजबूरी थी, पहली। दूसरी, भाई हम तो बद्दुआ देते होंगे रेल मंत्री को अपने। क्यों सर? अरे क्यों सर, साले ये पहला रेल मंत्री ऐसा आया है, इतना गिरा हुआ इंसान है, ये मोदी जी के कामों से कुछ नहीं है। मैंने सामने भी आपको बोला था, यहाँ बोल रहा हूँ और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ये मोदी जी के कामों से खुश नहीं है, ये भीतर घात पलीता लगा रहा है मोदी जी के काम की। किसी रेल मंत्री ने हम सीनियर सिटीजन के जो 40% हमें डिस्काउंट मिलता था रेलों में, हम अपनी बेटियों के जाते थे, तीरथ करते थे, बड़े खुश होते थे, एक दूसरे से मिलते थे। सत्तर इकहत्तर साल हमारी उम्र हो रही है, खूब करते थे हम। गौरी शंकर पूरी आरती मंडल के लोग हम बैठे हैं यहाँ है, अब ये करते थे। अरे पंडित जी कहाँ गए? भाई मैं गंगा सागर गए। अरे जय हो जय हो, आज कहाँ हो? वृंदावन हो, जय हो। यही होता है, दो चार साल बाद ये लोग भी आ जाएंगे उसी लाइन में। तो उन्होंने, इस रेल मंत्री ने ऐसा पलीता खाब मुंह से शब्दों से कहा है कि मैं कोई नहीं दूंगा, 11,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अरे हम बुजुर्ग, मोदी जी कहते हैं बुजुर्गों के लिए इनका मान सम्मान करो, अरे उससे रेल मंत्री से अपने पूछो कितना सम्मान दे रहा हमें। तो आप लोगों ने तो जीवन भर की कमाई टैक्स करके, टैक्स में के रूप में सरकार को दी, तो है तो हम तो देखते वो 11,000 करोड़ रुपया जो है वो अपनी बेटी के कन्यादान में डालेगा, वो हमारा जो आएगा वो कह रहा है 11,000 करोड़ रुपया हमने हमारे उससे बचा दिया, जो हमें देता है वो 30-40% डिस्काउंट कहता है वो हमने बचा दिया 11,000 करोड़। अरे वाह 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 वाह, अगर होएगा तो 26 जनवरी को मैं तो कहूँगा मोदी जी इसको ऊंट पे बैठ के विशेष उससे निकालो और बड़े बड़े बैनर लिखे हुए कि 11,000 करोड़ रुपया हम बुजुर्गों का जो डिस्काउंट हमें देता था वो इसने बचा लिया है, देखो कितने महान हमारे रेल मंत्री हैं। बस बेटा मुझे और कुछ नहीं कह। तो सर इसी के साथ अभी हम एक और हमारे सीनियर है, सर आपका नाम क्या है? पंडित योगेश कुमार। पंडित जी आपको क्या लगता है, बीजेपी की जो सरकार है इसमें क्या और अच्छे काम करने चाहिए जिससे कि जनता का और विश्वास जीते? देखो जी, मंदिर के पुजारियों को जो कोशिश चल रही है तनख्वाह बांधने की, केजरीवाल जी ने मौलवियों की जो तनख्वाह बांधी है, ब्राह्मणों की जो है तनख्वाह नहीं बांधी है, उसके लिए बीजेपी की कोशिश चल रही है। हमारे कर्नल सिंह जी बहुत जोर शोर और जोश से लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो जिस तरीके से लगे हुए हैं उस तरीके से
जो है कामयाबी मिल जाए और बीजेपी आ जाए और ब्राह्मणों को, मंदिर के पुजारियों को, सबको तनख्वाह मिले और सबको और भी जिस तरह की सुविधा हो मंदिरों की। बाकी प्रदेश में पुजारियों को तनख्वाह मिलती है, मैंने यूपी के अंदर देखा है, वहाँ तो नहीं मिलती है। नहीं, यूपी में नहीं है और बीजेपी की सरकार है। कश्मीर में बताया, आसाम में बताया और साउथ में भी बताया, मिलती है, इन्हीं की कोशिश से है। वो केजरीवाल की सरकार के बारे में दिल्ली में क्या कहेंगे, वो कैसी है भैया? उसको मैं क्या कहूँगा, वो बेकार ही है। अच्छा। जब आया था तूफान की तरह आया था, लेकिन अब वो, हम जमुना पार में ही रहते हैं, हिंदू हैं, वो हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं ये हम जानते हैं। क्या हुआ सर? रात को 2:20 पर महिलाएं बच्चे किलकारियां मार मार कर गलियों में भाग रहे थे हिंदुओं के, अभी जब दंगे हुए थे जब। हाँ, हम वही थे रात को 2:20 पर, हमने देखा किस तरह से वहाँ मंदिर को तोड़ने के लिए, वो मंदिर को तोड़ने के लिए, वो उन्हीं को मंदिर को तोड़ने के लिए नमाज पढ़ के आना जरूरी होता उसी 13 गली की मस्जिद में इकट्ठे होकर, और ये भगवान का नाम लेकर क्या हो? दूसरे धर्म के मंदिरों को तोड़ने के लिए जाया जाता है, अपने मस्जिद से अपने भगवान का नाम लेकर के और मंदिरों को तोड़ने के लिए चले, ये कौन सा वो है धर्म है? क्या धर्म है ये धर्म सिखाता है हमें? सर वो तो व्यक्ति विशेष का मानना है, मैं मानता हूँ कि चलो वो व्यक्ति विशेष था जिसकी ऐसी मानसिकता थी, एक व्यक्ति से पूरी पार्टी का हम निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो पुलिस का क्या रोल था? पुलिस का रोल न किसी का रोल था, और सुनो, वो जो मुसलमानों के दंगे में नुकसान हुए उनके वहाँ वो पैसे देने के लिए गए, किसी हिंदू की दुकान या मकान के लिए पैसे देने के लिए यहाँ भरने नहीं गए वो, केजरीवाल साहब। ये कौन सा तरीका हुआ कि हिंदू होकर उसने हिंदुओं का साथ नहीं दिया और वो दूसरे धर्म वालों का साथ दिया, जो अपनी मस्जिद से नमाज पढ़ के रात को 2:20 पर नमाज पढ़ने का कौन सा टाइम है वहां इकट्ठे होने के लिए कि ये मंदिर तोड़ेंगे, ब्रह्मपुरी की 13 गली का मंदिर तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ? क्या धर्म के नाम पर इस तरह से किया जाता है? करना चाहिए ऐसा? मोदी देगा, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो हम उसको क्या कहें केजरीवाल को? हिंदू होकर उसी की जाति के बरादरी के लोग खिलाफ हैं उसके। सर उन्होंने शिक्षा के अंदर इतना सुधार किया, महिलाओं को टिकट फ्री दी है, बिजली के अंदर बिजली फ्री है, सब कुछ तो फ्री दे रहे हैं, और जान भी फ्री में है, मरना भी फ्री हुआ है वहाँ, वो भी तो फ्री था। लोग मरे हैं जिनको काट के नालों में डाल दिया गया, उस शर्मा ब्राह्मण के लड़के को, शर्मा को किस तरह से नाले में फेंक दिया गया मार करके, तो वो भी तो फ्री था। सर दंगों में तो दोनों साइड के लोग मरते हैं, मुसलमान भी मरे थे, हिंदू भी मरे थे। हिंदू ज्यादा मरा है, मुसलमान नहीं मरे इतने। हाँ, वो तो पलायन कर गए पहले ही। तो आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी, मोदी और कर्नल सिंह जी। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बॉम्बे प्रिंस ज्वेलरी वाला है। तो सर आप बताइए कि 2024 में कौन प्रबल दावेदारी के साथ आ रहा है? बात तो बताऊंगा, लेकिन मैं कलाकार होने के नाते मुझे इतना बड़े दुख का विषय है कि जब भी भारत में राजनीति, इतनी गंदी राजनीति चल पड़ी है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे हाथी की हो, साथी किसी की भी हो, कुल मिलाकर हिंदुस्तान की पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने। कभी पानी फ्री, कभी बिजली फ्री, अब केजरीवाल जी को देख करके मोदी जी के यहाँ भी फ्री, राजस्थान में फ्री, अब कर्नाटक में भी फ्री, सारे ड्रामेबाजी चालू। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत को इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आया है तो नरेंद्र मोदी आया है। नरेंद्र मोदी जी का जो माइंड है बहुत सुपर माइंड है, लेकिन मोदी जी से प्रार्थना है कि हिंदू मुसलमानी की राजनीति को छोड़े। अगर लेकर चलना है देश को लेकर चलना है तो यहाँ हिंदू और मुसलमान सब रह रहे हैं, यहाँ के मुसलमान को भगाने का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ के मुसलमान लड़ाई झगड़ा नहीं करते। शांत रहो, बोलने दो मुझे, फिर तुम बोलना, मुझे बोलने दो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हिंदू और मुसलमान की बातें ना करो, जब चुनाव आता है तो बातें करते हैं। 2024 के चुनाव में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए कि उनकी उम्र के हिसाब से उन्होंने खुद कहा था कि पीएम बनने नहीं बन सकता, उन्होंने योगी जी को बनाएंगे। हाँ, और पूरी बीजेपी पार्टी में मोदी जी के अलावा पीएम बनने के योग्य कोई है ही नहीं, और दूसरा कांग्रेस में भी नहीं है अब। और राहुल गांधी को जो पप्पू बोल रहे थे, उस पप्पू की आड़ में कांग्रेस कर्नाटक में आ गई। बाकी देशों में अब कांग्रेस की छवि पूरी खराब है, चाहे कितना भी जोर लगा ले कांग्रेस नहीं आती। और दिल्ली में आम पार्टी की जो सरकार है
रोड वोड सब अच्छी बना रही, लाइटिंग बना रही, ये भी राजनीति हिंदू मुसलमान की करते हैं। फतेहपुरी मस्जिद के बाहर दोनों साइड में बिजली का कनेक्शन है, जहाँ की लाइटिंग लग रही है। लाइटिंग देखिए आप, एक बार दिखाइए वो लाइटिंग, लाइटिंग दिखाइए सामने। ये लाइटिंग जो आप देख रहे हैं, ये लाइटिंग फतेहपुरी मस्जिद के बाहर गेट पर कनेक्शन होने के बावजूद भी वहाँ नहीं लगी है। अच्छा। और आगे खारी वाली चौक पर भी लाइट नहीं लगी है। ये लाइटें लगनी चाहिए, यहाँ से वहां तक लगी, जो वहां भी लगनी चाहिए। केजरीवाल से प्रार्थना है हिंदू मुसलमान की राजनीति न करो, ये लाइटिंग सबके लिए बराबर बराबर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, 60 साल के ऊपर के आदमियों की जो पेंशन है, उस पेंशन को भी रोक कर रखा है, पेंशन चालू करें। जो गरीब आदमी को पैसा होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है काम धंधा व्यापार तो पेंशन से अपना गुजारा कर ले, पेंशन भी बंद कर रखी है। चाहे मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, इन्होंने पेंशन रोक रखी है। दूसरा, ट्रेन में जब जाते हैं तो आधे आधे पैसे में टिकट भी जाते हैं, वो भी इन्होंने रोक रखा है। ट्रेन में फुल टिकट लेके जाना पड़ता है 60 साल के आदमी को, आप टिकट नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है। ऐसा क्यों? सीनियर सिटीजन होना चाहिए, सीनियर सिटीजन को पैसे भी पेंशन मिलनी चाहिए। अब चुनाव आएगा जब पेंशन दे देंगे, पेंशन दे देंगे, बात कर दे। और मुसलमानों को कहते पेंशन, अरे मुसलमानों को पेंशन की जरूरत नहीं है, उनका बच्चा पैदा होते ही इंटर पेंटर डेंटर सेंटर सारे कलाकार बन जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, बिजनेस में ध्यान देते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसे प्रार्थना है कि सीनियर सिटीजन को ये टिकटें आदि हो और पेंशन चालू हो। हमारे केजरीवाल जी प्रार्थी और मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा गौरीशंकर मंदिर है, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। और राम नाम का जो शब्द है, ये सुनिए मेरी बात, राम नाम का जो शब्द है, ये मोदी जी क्या बनाएंगे। जब आदमी मरता है शमशान भूमि तक जाता है तो राम नाम सत्य है, ये तो जब तक संसार रहेगा ये चलता रहेगा। मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप गौरीशंकर मंदिर के हर मदरसे में कंप्यूटर लगेगा, मुसलमान का बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, ये मोदी ने कहा है, ये आज तक 70 साल की सरकार ने कहा है, इन्होंने लड़ाया है बस। ये बीजेपी वाले तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे। कांग्रेस ने ऐसा किया, मुसलमान के हर आदमी खुश है, चांदनी महल खुला हुआ है, बल्ली मारल खुला हुआ, रात के 2-2 बजे तक मुसलमानों की दुकानें खुल रही है। पुलिस किसी है केंद्र सरकार की, किसी की दुकान बंद करवाई भी, और कांग्रेस की राज में मुसलमान लोगों की दुकानें बंद करवाते थे, बल्बों पर पत्थर मार के बजाते थे, कौन पुलिस वाले। आप देखो चांदनी महल खुला है, बल्ली मारल खुला है, कसाबपुरा खुला है, सीलमपुर खुला है, उस्मानपुर खुला हुआ है, किसी राज में खुला है? ये मोदी के राज में खुला हुआ है। ट्रेन के एक्सीडेंट का जिम्मेदार एक ही आदमी है। जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है महेंद्र जी, जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उसका जिम्मेदार एक ही आदमी है। जब ट्रेन चलती तो रेलवे फाटक के पास एक सिंगल देता आदमी हैंडल करके हूँ ट्रेन को, वो आदमी शराब के नशे में धुत होगा, उसे दबा दिया, एक ही लाइन में ट्रेन आ गई, चक्कर लगी, लोग मर गए, उसको नहीं ढूंढ रहे हैं, करोड़ों का नुकसान बता रहे। कैसा रेल मंत्री है कि जिसकी सीट रिजर्वेशन है उनको पैसे देंगे, जो बेचारे रिजर्वेशन नहीं है उनको कुछ नहीं देंगे, मर गए जिसके मरने वाले, इनको किसी का दुख नहीं है, चाहे किसी का बेटा मरे, चाहे किसी का भाई मरे, किसी की बीवी मरे, किसी का बच्चा मरे, चाहे रेल मंत्री हो या फेल मंत्री हो, ये रेल मंत्री फेल मंत्री है मेरे हिसाब से। आज हम यहाँ चांदनी चौक में हैं, और चांदनी चौक में यहाँ जनता के बीच में हैं, और यहाँ हमारे कुछ बड़े मौजूद हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि अभी मौजूदा सरकार में किस तरह की समस्या है और क्या चाहिए सरकार को, क्या सुधार होने चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजवीर, शंकर गौरी शंकर मंदिर आरती मंडल में है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी मौजूदा सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसमें क्या सुधार होने चाहिए और 2024 में कौन आएगा? भाई 2024 में मोदी आएगा, इसके अलावा क्या नजर आ रहा है? क्योंकि जो सेंट्रल लेवल में जितने भी काम हो रहे हैं, इतने गडकरी साफ कर रहे हैं, इतने 370 धारा निकाल दी, बहुत जितने बड़े बड़े सेंटर ही कर रही है, छोटे मोटे काम तो केजरीवाल दिल्ली में कर ही रहा है। जी, दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? दिल्ली में तो केजरीवाल चल ही रहा है, लेकिन अब ये भी गड़बड़ी कर रहा है थोड़ा सा। दिल्ली में तो बार बार आप केजरीवाल को जिता रहे हो, तो क्यों अगर वो सेंटर में क्यों नहीं मौका दे रहे हो? अब ना केजरीवाल साहब यही तरह की सीमित आगे लायक नहीं है। अच्छा, हाँ, यूज लेवल का नहीं जैसे मोदी साहब। अच्छा, मौका मिलेगा तो क्या पता वो बेटर कर सके, क्योंकि मोदी जी भी एक कहीं मुख्यमंत्री थे। मोदी आदमी अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जैन साहब अंदर बैठे हैं, एक वो सिसोदिया साहब है, उन पे भी आक्षेप लग रहा है।
तो इसलिए माहौल खराब हो रहा है ना। विपक्ष सर, विपक्ष तो अपना जोर दिखाते हैं, अभी आरोप साबित ना हुआ है सर। आरोप साबित नहीं हुआ, नजर तो आ ही रहा है जी, नजर आ रहा है, लेकिन सेंटर का मुकाबला नहीं है ये लोग अभी। ये तो हमेशा शुरू से रहा है, जो सत्ता में रहा है उसका तो बोलबाला रहा है, जो दूसरे प्रतिपक्ष रहते हैं उनको कमजोर कर देते हैं। नहीं कमजोर नहीं, एक्चुअली उनकी मजबूती देखो, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए ना, जितना भी सारा हिंदुस्तान के वर्ल्ड में आज जो नाम आ रहा है हिंदुस्तान का हो रहा है, मोदी की वजह से तो हो रहा है। आप देखो जाके, पहले इतना नाम कभी हुआ तक कभी इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए, और बाकी जो भोले बाबा करेगा अच्छा करेगा। बात सर, आपका नाम क्या है? महेंद्र भारद्वाज। भारद्वाज जी, आपको क्या लगता है कि मोदी जी 2024 में आएंगे? 2024 में मोदी जी द्वारा आएंगे कि मुसलमानों में भी काम कर रहे हो? अच्छा, मुसलमानों की में 3 तलाक और उनको प्रधानमंत्री योजना के मकान मुसलमानों को भी दिए जा रहे हैं। ये एक वर्ग जो दुखी रहता था बीजेपी से, जो मानता था ये संप्रदाय के लोग हैं, अब वो लोग भी मोदी के साथ आ रहे हैं, इसलिए मोदी फिर 2024 में आएंगे। रोजगार में सर काफी कमी आ गई है, पहले अच्छा खासा रोजगार हुआ करता था, तो इस मामले में आपको क्या लगता है सर? व्यापार तो बहुत फर्क पड़ गया है, व्यापार वो नहीं रहा जो पहले था, ये बीजेपी आने वाले तो फर्क पड़ा, ये फर्क। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी छाप अच्छी तरह सारी बातें, ये व्यापार खराब हो चुका है फिलहाल तो। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाकी हमारे पंडित जी ये भी हैं। अभी जो एक लड़की का मर्डर हुआ है थोड़े दिन पहले, उसको चाकू मारा है जमीन पे गिराकर, मेरी प्रार्थना है भारत सरकार से, मोदी जी से, उस आदमी को ऑन द स्पॉट रोड पर इनकाउंटर कर दो या साले को फांसी भी लटका दो, ताकि कोई भी ना करे। और गलत किया उसने, इसके लिए पूरी मानसिकता बदलनी होगी। इसके बाद एक केस और आया है, देखा होगा आपने, मुंबई में, उसमें वो हिंदू था और उसने हिंदू लड़की को मारा। यहाँ ये कानून सख्त होना चाहिए, हिंदू नहीं था, कलावा बांध लिया, रुद्राक्ष की माला गले में डाल ली, मुंबई वाला जिसमें कुकर में पकाएंगे, श्रद्धा की बात करो, श्रद्धा। उसके बाद सर हिंदू ने भी किया है, गोली मारो मुंबई को, पहले इसकी बात करो। क्राइम सबके लिए समान होना चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए, उसमें समान ही होना चाहिए। रेप और मर्डर करने के बाद किसी आदमी को आप 10 साल तक खाना खिलाते रहो, कपड़े पहनाते रहो, उसकी सुरक्षा करते रहो, ऐसा कानून किस काम का? साले ने गलती की, उठा के इनकाउंटर कर दो, जैसे अतीक अहमद का इनकाउंटर किया, ऑन द स्पॉट मार दो उसको, बस ये मेरी प्रार्थना मोदी जी, उसको ऑन द स्पॉट मार दो, मुंबई वाले को मार दो, इसको मार दो, लगा दो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मोदी जी से पहले दुनिया में हमारी कोई आवाज नहीं सुनता था, आज मोदी जी के आने पर हमारी आवाज सुनी जाती है और उस पर चला जाता है। तो आज का समय जो मोदी जी ने भारत की इज्जत इंटरनेशनल पर बनाई है, वो आने वाले पिछले समय में किसी नेता ने नहीं बनाई। हमें हमारे प्रधानमंत्रियों को विदेश वालों से जाकर मिलना पड़ता था कुछ करने के लिए, इजाजत लेनी पड़ती थी जब हमारे वो घूमते थे इतने बड़े मिनिस्टर। और आज भगवान ने दिन दिया है, इस धरती माता को नमस्कार करता हूं मैं, कि हमारे मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की इज्जत बनाई है, जो पहले कभी धर्मगुरु के नाम से विश्व में भारत जाना था जाता था, आज उसी तरह की इज्जत मोदी जी ने बनाई है। और सर, मैं जरा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजमोहन वर्मा। वर्मा जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अभी मोदी सरकार चल रही है, आने वाले समय में 2024 में किसकी प्रबल दावेदारी होगी, और अगर बीजेपी सर प्रबल दावेदारी किसकी होगी सबसे पहले प्रश्न? देखिए, प्रबल दावेदारी तो बीजेपी की तरफ ही जानी चाहिए, क्योंकि लेकिन कई नेगेटिविटी पॉइंट भी हैं और कई पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट पर बात करें। सबसे पहले जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि व्यापारी वर्ग के लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, और व्यापारियों के लिए जो उन्होंने छूट देनी चाहिए थी, जो व्यापार के स्रोत बनाने चाहिए थे, वो उस हिसाब से नहीं बना पा रहे जो कि और वर्गों को मिल रहे हैं। किसान अब अपनी बातें मनवा लेते हैं, आज भी बात मनवाई गई है, उन्होंने पीपली के अंदर वो MSP पे हटाया है, और ये दबाव बना करके राजनीति जो चल रही है, इसके लिए मोदी जी को सोचना चाहिए कि जिसके समर्थन से ये वर्ग आए, और मोदी जी तो खुद व्यापारी वर्ग से संबंधित है, उस व्यापारी वर्ग को बैंकों के हिसाब से और
उनके व्यापार को संभालने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ योजनाएं लानी चाहिए। शिक्षा शिक्षा के मामले में क्या कहेंगे सर, शिक्षा में क्या सुधार होगा? शिक्षा अगर हम सेंट्रलाइज शिक्षा की बात करें तो देखिए मोदी जी की सरकार शिक्षा के विषय में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और राज्य सरकारें भी अच्छा कार्य कर रही हैं, ऐसी बात नहीं अपने तौर पे राज्य सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन मोदी जी की जो शिक्षा पॉलिसी है वो थोड़ी सी दूर इसलिए जा रही है कि वो प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो सर पॉजिटिव पॉइंट बताइए, क्या ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से प्रबल दावेदारी रहेगी 2024? देखिए देश को एक रखना है तो मोदी जी को वोट देना है, सब में पहला पॉइंट जो है पॉजिटिव वो यही है कि अगर हमें देश को एक सूत्र में बांध के रखना है तो हमारी प्रथम चॉइस मोदी जी और उनके मोदी जी की सरकार होनी चाहिए, बाकी तो वो कोई ऐसी बात ही नहीं, सबके उठक पटक चलती रहे। माता जी आपका नाम? आप क्या चाहते हैं कि 2024 में किसकी सरकार हो और महिलाओं के लिए क्या विशेष सुविधाएं होनी चाहिए? वैसे जैसा कि सभी का कहना है कि 2024 में मोदी जी की सरकार होनी चाहिए, महिलाओं के लिए क्या विकास होना चाहिए, जो महिलाएं जिस हर तरीके से दुखी होती उनकी समस्या को दूर करना चाहिए, समस्याएं दूर होनी चाहिए। क्या क्या सुविधाएं चाहती है आप? जैसे जो कहते हैं सिलेंडर के दाम कम करने चाहिए, जो और भी महंगाई बढ़ी हुई है उसको कम करना चाहिए। अच्छा, महंगाई कम होनी। हाँ। और बाकी 2024 में कौन आ रहे हैं? आएंगे तो मोदी जी, बाकी जो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा आज भी नहीं हो पा रही, कहते हैं सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह। सिंह साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है जो 2024 है, इसमें जनता की क्या मांगे होंगी, क्या मेन मुद्दों पर सरकार को चुनाव लड़ना चाहिए? वो सर ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है जी महंगाई का है जी, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है जी, गरीब आदमी बहुत परेशान है, उसका कोई इसके पास लोशन नहीं है क्योंकि वर्ल्ड से पीछे से ही महंगाई हाल हो रही है, वर्ल्ड का ही बहुत बुरा हाल है। इसमें अगर आप कहो कि कौन आएगा, मोदी ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप जाइए यहाँ से पंजाब जाइए हाईवे देखिए, आप यहाँ से यूपी जाइए हाईवे देखिए, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन महंगाई का इसके हाथ में कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सरकार को इस पे काम करना चाहिए, करना चाहिए महंगाई की तरफ। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, जो स्टॉक कर रहे हैं, जो दालों की स्टॉक कर रहे हैं जी, और हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा देश है हर चीज पैदा होती है जी, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए वर्ल्ड के अंदर, इतनी किसी भी कंट्री के अंदर इतनी चीजें नहीं पैदा होती, यहाँ सब कुछ पैदाश है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई बहुत ज्यादा है। शिक्षा रोजगार के बारे में क्या कहेंगे, उसमें सरकार को काम करना चाहिए? शिक्षा और रोजगार बिल्कुल करना चाहिए, पहले गरीब आदमी को रोजगार देना चाहिए, गरीब आदमी परेशान है, लेकिन असलियत बात यह है अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं आपको बात बताऊं, एक ईमानदार आदमी शरीफ आदमी को तुम जो मर्जी कह दो, गालियां दो, चौकीदार चोर है, जो मर्जी कहते हो ठीक है। जनसंख्या के बारे में क्या कहेंगे? जनसंख्या जी रोक तो लगानी चाहिए, लेकिन लगानी चाहिए, लेकिन लेकिन ये जो मैं नहीं इस बात को कह सकता, 10 नहीं होने चाहिए, 15 नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सरकार को सोचना है कैसे है रोक लगानी, क्योंकि मिनिस्टर तो है नहीं, ये सारे मेन मुद्दे जो है ये।